हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसको सॉर्ट आउट करना है। सॉल्व का मतलब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो आपने टाइम पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था वही चीज अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे? हियर सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिखनी होती है आप लोगों को। ए क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। बी इज योर कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, नाउ रिप्लेस द वैल्यूज हियर। बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी होल अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे अपॉन 2। जब आप अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो वहां पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको रिजेक्ट नहीं करना जैसे आप टेंथ में कर रहे थे, क्योंकि अब आप नया सिस्टम पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जहां पर आपके पास अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? पहले नेगेटिव साइन को सेपरेट करिए, अंडर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा से। और 27 को भी सॉल्व कर लो। जब आप 27 को सॉर्ट आउट करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा होल अपॉन 2। सो दैट इज योर आंसर। कैंसिल आउट नहीं होगा, यू कैन लिख द आंसर है जहां पर आपके दो x के वैल्यूज आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस कॉम्प्लेक्स का रूल लगाकर यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आपका 10 था, और यहां पर क्या डिफरेंस है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय बाय।